In this question, we have to factorize 3 into a minus 2b whole square minus 5 into a minus 2b. तो इसे हम factorize कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम note down कर लेते हैं what is given in the question. तो given है question में 3 into a minus 2b whole square minus 5 into a minus 2b. तो सबसे पहले हम किसी भी फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सेम टाइप की टर्म्स होती है उनमें कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ऐसा लिखा होता है 5x plus 2x, तो हम क्या करते हैं दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 5 plus 2 और ये होता है इक्वल टू 7x। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स में भी देखें तो इन दोनों टर्म्स में भी क्या है a minus 2b और a minus 2b कॉमन है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉमन टर्म है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो a माइनस टू बी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ होल स्क्वायर था तो क्या जाएगा 3 इंटू ए माइनस टू बी लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 थी तो अब क्या हो जाएगी पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, माइनस यहाँ क्या है 5 इंटू ए माइनस टू बी, तो यहाँ जाएगा 5। तो अगर अब हम a माइनस टू बी का आउटर में ही रहने दें तो a माइनस टू बी तो ऐसे ही रहेगा, और अब यहाँ क्या जाएगा 3 इंटू ए माइनस टू बी माइनस 5 आ जाएगा। तो इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम पहले ओपन कर लेते हैं अपने ब्रैकेट्स को। तो पहले ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, तो a माइनस टू बी इंटू ये क्या जाएगा 3a माइनस 6b माइनस 5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है 3 क्या है और 6, इन दोनों में तो 3 कॉमन है, मतलब अगर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बट 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 और 5 एंड 6 एंड 5 ये क्या है आपस में रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स है, मीन्स ये एक दूसरे को डिवाइड या कुछ नहीं करते हैं, तो इनके और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो अब जब इनको और हम क्या बोलते हैं कुछ कॉमन लेकर के फैक्टराइज कर नहीं सकते, तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था तो उसका फाइनल जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे a माइनस टू बी इंटू 3a माइनस 6b माइनस 5। हमने क्या किया, पहले कॉमन जो था a माइनस टू बी वो कॉमन ले लिया, देन उसके बाद क्या करा जो ब्रैकेट था a माइनस टू बी जो लेफ्ट बचा था उसे हमने ओपन कर लिया, तो गया 3a माइनस 6b और देन बस ये हमारा फाइनल आंसर है। So this is the answer for this question. Factorize में हम क्या करते हैं उसे जितना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उतना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस एक्सप्रेशन को हम इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते।